I am with Dr. O.P. Verma. He is MBBS MRSH and he has done lot of work on flaxseed, जिसको अलसी भी कहते हैं, अलसी के नाम से जाना जाता है हिंदुस्तान में, स्कंद माता, स्कंद माता, और डॉक्टर साहब ने उसको हमेशा देविक भोजन कहा है। तो डॉक्टर साहब, अभी आप कोई 20 दिन की अलसी चेतना यात्रा करके आए हैं मध्य प्रदेश राजस्थान में। हाँ जी, हाँ जी। उसका आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्चुअली मैं कुछ महीनों से सोच रहा था एक अलसी चेतना यात्रा का, तो लेकिन वो लेट होते रहते, अभी प्रोग्राम बना। तो मैं 28 नवंबर को कोटा से निकला था, अकेला निकला था, सिर्फ मेरा ड्राइवर मेरे साथ था और हमारी अलसी विजय रथ थी साथ में। अच्छा। और वो एक्चुअली वैभव जी हैं हमारे, उन्होंने गिफ्ट की थी अलसी चेतना यात्रा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और यात्रा का पूरा खर्चा भी उन्होंने दिया था। फिर मैं यहाँ से उदयपुर गया, वहाँ एक सेल टेस्ट के कमिश्नर हैं जयंती जैन, तो उनके यहाँ वर्कशॉप थी। उन्होंने काफ़ी सारे पेशेंट वगैरह कैंसर के, डायबिटीज़ के बुलाए थे, कुछ RAS ऑफिसर्स थे उनके, एक कोटा के वो गर्ग साहब थे, विज्ञान भवन के चीफ हैं, कुछ डॉक्टर्स थे। काफ़ी अच्छी वर्कशॉप थी, दिन भर हम जो है चाय वाय भी पीते रहे, खाना भी खाते रहे, वर्कशॉप भी चलता रहा, अलसी के बिस्किट्स भी खाते रहे, लड्डू भी खाते रहे। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ से मैं बांसवाड़ा गया, वहाँ भी डॉक्टर रजनीकांत जी के यहाँ पूरी दिन की वर्कशॉप थी। फिर मेरे पास फोन आ गया था इंदौर से, सुरेश तांबरकर जी का, नई दुनिया के पत्रकार है। अच्छा। और एक्चुअली वो भी ऐसे ही नेट पे मिले थे, अलसी के बारे में बात हुई, फिर वो प्रभावित हुए, फिर अलसी पे काम उन्होंने शुरू कर दिया। तो वो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि 1 तारीख को उन्होंने साकेत क्लब में मेरा प्रोग्राम रखा है, मैं 30 तारीख तक पहुँचा। तो मैं 30 को पहुँच गया था साकेत क्लब में, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, 300-400 लोग थे, डॉक्टर मनोज भंडारी थे और कई चिकित्सक तो बड़ी मतलब वहाँ की एलिट लोग थे। इस तरीके से उसी दिन शाम को हमने नई दुनिया प्रेस में प्रोग्राम था, 2-4 प्रोग्राम हमारे दो में से। अच्छा सर। एक दिन हम मांडू थोड़ा सा दर्शनीय स्थल देखने गए थे, और एक दिन उज्जैन, उज्जैन में भी बहुत बड़ा सेमिनार था। कहाँ से किया उज्जैन में? उज्जैन में ये जो माधव नगर रेलवे स्टेशन के सामने स्कूल है, ज्ञानपीठ कुछ ऐसे, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, और वहाँ के सारे VVIP लोग थे। उसके बाद में मीडिया का हर जगह में सपोर्ट मिल रहा था, सब जगह अच्छी चेतना यात्रा को पर्याप्त स्थान मिल रहा था। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है। फिर सीहोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ ही प्रोग्राम था। फिर मैं सागर पहुँचा, सागर में सागर विश्वविद्यालय के MBA कॉलेज में प्रोग्राम था, हाउ टू स्टे हियर फिजिकली मेंटली एंड स्पिरिचुअली। तो दिख ही रहा है सर, 20 दिन आप खुद गाड़ी से इतना ट्रैवल करके आए हैं, अलसी मैया का सपोर्ट तो है। सब जगह अलसी भोग लड्डू और अलसी के बिस्किट जो मैं साथ ले गया था, इतने पसंद किए गए, लोगों ने खूब फोन किए, उससे रेसिपी पूछी, वो सब मैंने बताई उनको। और इस तरीके से मैं 20 दिन की यात्रा करके लौटे, बहुत अच्छी यात्रा रही, उम्मीद से ज़्यादा अच्छी रही। और इसका कोई होमवर्क हमने नहीं किया था, कोई प्लानिंग हमने इसकी नहीं बनाई, ये बिल्कुल अकेला मैं निकला था। और सपोर्ट आपको मिलता चला गया, मिलता चला गया सर। हाँ, वो भी कहना कह सकते हैं। और सागर में भी बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सारे न्यूज़पेपर्स में कवरेज था। नई दुनिया का भास्कर, ये उज्जैन का है, ये सीहोर देवास, ये सागर विश्वविद्यालय का, सागर का प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बहुत उत्सुकता थी लोगों को अलसी के बारे में जानने।
से हर जगह विस्तार से मतलब चर्चा हुई। अभी आपने 20 तारीख को यहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कोटा में, एक्चुअली मैं पेपर्स में काफी मैं देख रहा हूँ कल से और आज भी। हाँ कल से आ रहा है, हाँ सारी न्यूज चैनल्स में न्यूज आ रही है। एक्चुअली हमने जो अलसी चेतना यात्रा शुरू की वो 20 तारीख को हमने उसका समापन किया था, और उसको क्योंकि इतनी सफल रही है इसलिए हम उसको सेलिब्रेट भी कर रहे थे। इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस, तो सेलिब्रेशन भी था या कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी थी, सारे लोग थे कोटा के। मुझे बताया गया था सब प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्डली 15 लोग आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से कोटा के जिनको भी हमने बुलाया था सारे मीडिया को, सारे मीडिया वाले थे, हमारे गिफ्ट से कपड़ गए और 1.5 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। मेरे कुछ मित्र थे, रिश्तेदार थे, डॉक्टर्स थे, और उसने काफी खुल के आपकी जो रिसर्च है फ्लैक्स सीट के ऊपर और जो आप इस पे काम कर रहे हैं, लोगों में इसको प्रचलित कर रहे हैं, कितने साल से आप इस पे काम कर रहे हैं? एक्चुअली मुझे 4-5 साल हो गए हैं, मैं स्वयं इसका यूज कर रहा हूँ अपने रोगियों पे, अपने रिश्तेदारों को, अपने शहर वालों को, अपने देश वालों को मैं खिलाई रहा हूँ। हाँ जी हाँ बिल्कुल, नहीं बहुत योगदान है अलसी का जितना आज नहीं हिंदुस्तान में। अलसी का क्या है सर कि अलसी जो है, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और मैंने विदेश में इसकी क्या अवेयरनेस वगैरह उसके बारे में भी जब मैंने जाना, तो मुझे ये लगा कि ये इतनी बढ़िया चीज़ है, इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं, तो ये हमारे लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचनी चाहिए। मैंने प्रयास शुरू किया और आज तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट है, काफी कुछ कामयाब हो चुके हैं। अच्छा रिजल्ट, और हम करते रहेंगे इस तरीके से अवेयरनेस के प्रोग्राम, यात्राएं मैगजीन्स में, आर्टिकल्स टीवी में, मतलब प्रोग्राम्स वगैरह में दिए हैं, देते रहेंगे। वैसे लोग सब अलसी कोई इंडिया के लिए नई चीज तो है नहीं? नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है, पौराणिक महत्व तो बहुत ज्यादा है इसका। इसको दुर्गा का पांचवा स्वरूप माना जाता था, इसकी पूजा अर्चना की जाती थी, वो बिल्कुल है। लेकिन ये बीच में जो है कुछ ऐसा दौर आया खराब, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे, और उस वजह से जो है इसकी अवेयरनेस कम हो गई और हम इसको री इंट्रोड्यूस कर। राइट सर, इसकी इंडियंस को इतनी आवश्यकता क्यों है, आप इस पर इतनी मेहनत क्यों कर? देखिए आप क्यों चाह रहे हैं कि लोग इसको यूज करें? मेरे आर्टिकल का हेडिंग पढ़ा होगा, हमेशा मैंने उसमें लिखा है चमत्कारी। हाँ जी, तो वो मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है, मैंने इसके कई चमत्कार देखे हैं। हाँ जी, मैं आए दिन रोज मुझे कोई ना चमत्कार अलसी का देखने को मिलता है, तो और नॉट ओनली भारत भारतीयों को बल्कि पूरे विश्व को जो है अलसी की जरूरत है। हमारे भोजन में पिछले कई दशकों से ओमेगा 3 मिल ही नहीं रहा, हम सब लोगों के शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की जबरदस्त कमी है, जिसके कारण आज हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, कैंसर के शिकार हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, आप देख रहे हो हर आदमी को जो है घुटनों की तकलीफ है, सबको डिप्रेशन है, हर तीसरे या चौथे आदमी को डायबिटीज है, तो ये सब चीजें ओमेगा 3 की कमी की वजह से हो रही है। इसका मतलब हम अपनी तरफ से जो सोच रहे हैं कि हम एक अच्छा भोजन ले रहे हैं कंपेयर टू व्हाट वाज हैपनिंग, मतलब पिछले कुछ दशकों की अलग से आज लोगों का स्तर बढ़ा है, तो लोग अच्छा पैसा खर्च कर पाते हैं, अच्छा खर्च करते हैं लेकिन खराब खाए। राइट, अच्छी चीज खराब चीज को ज्यादा पैसे में खरीद के खा रहे हैं। राइट, तो उनके अंदर ओमेगा 3 उस डाइट में नहीं है, रिफाइन मतलब आज जो है हम फैट जो हम खा रहे हैं उसमें ट्रांस फैट इतना ज्यादा है, जो कि एक तरह से शुद्ध रूप से पॉइजन है, उसमें रिफाइन तेल है जो मतलब केमिकली ट्रीट किया जाता है, जो जो कि बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के लिए खराब है, तो वो सब हमें निकाल के और नेचुरल चीजों पे दोबारा आना पड़ेगा। ओमेगा 3 को डाइट में शामिल करना जरूरी है। तो ओमेगा 3 डॉक्टर साहब हमारे भोजन में अगर जितना भी मिलता है कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम ले पाते हैं? देखिए ओमेगा 3 सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ओमेगा 3 दो तरह के होते हैं,
एक एसेंशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ये सिर्फ अलसी में होते हैं, अखरोट वगैरह में होते हैं, और एक होते हैं डीएचए और ईपीए, वो एसेंशियल नहीं, वो मछलियों में होते हैं, लेकिन कैप्सूल आते हैं उनमें बेचता है। तो क्या है कि हमें जो है आवश्यक जो वसा हमने एसेंशियल फैटी एसिड से वो लेना बहुत जरूरी है, वो बॉडी में नहीं बनेंगे, मछली वाले तो एएनए बना देगा बॉडी में, तो हमें तो जो अलसी हम लेंगे उससे वो ईपीए डीएचए हमें मिल जाएगा बन जाएगा, शरीर में बनता है वो। ओके, वो प्रोसीजर है। इसलिए हम क्यों मछलियों की हत्या करें, और मछलियों में एक और प्रॉब्लम है मछली खाने में, मछली के कैप्सूल खाने में, कि उसमें जो है मरकरी एज ए पॉइजन होता है, मरकरी एज ए इम्प्योरिटी होता है, जो कि बहुत बड़ा पॉइजन है, बहुत नुकसान करता है। अगर आप ज्यादा मछली खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, इकट्ठी आपने 4-5 मछलियाँ बड़ी खाई तो बीमार हो जाओगे, तो वो भी प्रॉब्लम है, उन्हें भी जीने का हक है, उन्हें जीने दीजिए। तो वेजिटेरियंस के लिए सबसे रिच सोर्स यही है अलसी। इससे कम होता है थोड़ा अखरोट वगैरह में, वो हम कितना खा पाएंगे, कितना खिला पाएंगे, 365 दिन तो नहीं खाया जा, नहीं खाया जा सकता, लेकिन अलसी तो हम रोज खा सकते हैं। तो कहाँ कहाँ अगर ओमेगा 3 देखें, इसमें और भी तत्व होंगे ओमेगा 3 के अलावा भी? देखिए इसमें तो आप ये मुझसे पूछें कि इसमें क्या नहीं होता है। इससे बहुत अच्छे प्रोटीन है, अच्छा अमीनो एसिड प्रोफाइल है उनका, करीब 18% से ऊपर प्रोटीन है इसमें, अच्छे फैट्स तो हैं ओमेगा 3 वगैरह, इसमें सारे मिनरल्स हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, भी सारे मिनरल्स हैं, सारे विटामिन हैं, बी ग्रुप के सारे हैं, विटामिन सी है, लिग्नेन है। अच्छा, लिग्नेन एक फाइटोकेमिकल है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, वो लिग्नेन का भी पूरी पृथ्वी पे, पूरी अपनी अर्थ पे सबसे बड़ा स्रोत सिर्फ अलसी, जो कि हमें कई बीमारियों से बचाता है, कैंसर से बचाता है, एंटीवायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी ल्यूपस है, एड्स जैसी बीमारी में काम करता है, और क्या चाहिए आपको। तो लिग्नेन और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, हार्मोन से संबंधित महिलाओं की जितनी तकलीफ है उन सभी लिग्नेन फायदा करता है, तो लिग्नेन को हम कहते हैं कि लिग्नेन इज द सुपरमैन। अच्छा, और लिग्नेन तो एक ही पार्ट है अलसी का, एक पार्ट, एक ओमेगा 3 हो गया, सारे मिनरल्स हैं, सारे हैं, और कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा टेस्ट है, ब्लेंड टेस्ट है, आप किसी भी चीज मिलाए उसके जैसा हो जाएगा। राइट, मैं कल पढ़ रहा था कि ये कॉन्स्टिपेशन में भी फायदा करता है, 27% फाइबर है इसमें, कॉन्स्टिपेशन में, ये इस सब गोल से ज्यादा अच्छी चीज है। नहीं, आयुर्वेद में आपको ध्यान हो तो हर बीमारी की जड़ पेट को मानते हैं, पेट साफ है तो ये पेट को एकदम साफ करना, पहले दिन जो है आपका पेट साफ हो जाता है अलसी खाने से। कौन कौन सी बीमारियों में लोगों को, वैसे तो आपने जैसा बताया कि सबको लेना चाहिए, लेकिन स्पेशली क्योंकि हर व्यक्ति जो है चाहता है कि अगर मेरी कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन मुझे पहले मिले, मैं बता देता हूँ कौन कौन सी बीमारी में ये लाभदायक होगा। भाई देखिए, ये जो है आपका ब्लड प्रेशर कम करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक करता है, आपको एनीमिया से बचाता है, आपकी पल्स रेट को कंट्रोल करके रखता है, ये कार्डियोवैस्कुलर को ब्लड को पतला रखता है।